जय हिंद एवरीवन। आइए आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 डेट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में स्टडी करें। कंपोनेंट्स मींस होता क्या है? कंपोनेंट्स मींस पार्ट्स। फूड के पार्ट्स के बारे में जानें, इसको अंश भी कहिए या घटक कहिए, भोजन का अंश, भोजन का घटक, ठीक है। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स डैट वी ईट। चैप्टर 1 में हम लोग वो सारे फूड आइटम का लिस्ट बना चुके हैं जिसे हम लोग खाते हैं। इसके अलावा हम लोग उस चैप्टर में ये भी जानें कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वैरायटी ऑफ फूड आइटम खाया जाता है। अब हम लोग मील के बारे में डिस्कशन करें। देखिए क्या बताया गया है, ए मील कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। मील में चपाती, दाल और ब्रिंजल करी हो सकता है। एक अनदर मील का बात किया गया है जिसमें राइस है, सांभर है और वेजिटेबल जो कि भिंडी से बना हुआ है। आप किसी और वेजिटेबल को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भिंडी को ही लेंगे। एक अनदर मील के बारे में बात किया गया है जिसमें अप्पम है, फिश करी है और वेजिटेबल्स है। तो ये 3 मील को अगर आप नोटिस करें तो पाएंगे कि हर एक मील में एक फूड आइटम जो बना है वो ग्रेन से मिलता है, हमें अनाज है वो, ठीक है। यहाँ पे चपाती और दाल है जो कि अनाज है, है ना। इसमें देखिएगा, अनदर में देखिएगा, राइस है जो कि अनाज है, ग्रेन है, सांभर है और वेजिटेबल है। थर्ड में अगर आप देखिएगा तो अप्पम है, फिश करी और वेजिटेबल है। यहाँ पे अप्पम चावल से बनता है, चावल क्या है, अनाज है, ग्रेन है, ठीक है। तो मील होने के लिए हमारा एक फूड आइटम ग्रेन होना, ग्रेन से बना हुआ फूड आइटम होना मस्ट है, जरूरी है। अब हम लोग एक्टिविटी मील को समझने के लिए एक्टिविटी करेंगे। आवर मील यूजली हैव एटलीस्ट 1 आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हम लोग का मील जो होता है ज़्यादातर एक फूड आइटम जो होता है, कम से कम एक फूड आइटम जो होता है ग्रेन से बना हुआ जरूर होता है, कंसिस्ट किए हुए रहता है, ठीक है। उसके अलावा एक तो फूड आइटम हुआ जो कि ग्रेन से बना है, उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा दाल हो सकता है, मीट हो सकता है, दाल मीट के अलावा और भी आइटम हो सकता है, कर्ड, बटर, मिल्क, पिकल्स, लेकिन एक फूड आइटम जो हो वो ग्रेन से बना हुआ जरूरी है मील कहलाने के लिए। अब सम एग्जांपल ऑफ मील दिया हुआ है टेबल 2.1 में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से लिया गया है। उस टेबल को हम लोग को आगे बढ़ाना है और फिर और भी लिखना है। पहले हम लोग देख लें कि इसमें क्या कहाँ का दिया हुआ है मील। सम कॉमन मील ऑफ डिफरेंट रीजन, कॉमन मील दिया हुआ है डिफरेंट रीजन का, 2 रीजन का दिया हुआ है, डेट इज़ पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है इंडिया के मैप में अगर आप नोटिस करें तो। अब हम लोग क्या नोटिस करेंगे, मील की बात हो रही है तो ग्रेन से बना हुआ फूड आइटम मस्ट होना है, ठीक है। पंजाब में क्या खाया जाता है, पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग और अदर्स फूड आइटम में क्या हुआ, कर्ड या घी, कर्ड और घी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ राइस खाया जाता है, फूड आइटम बना है ग्रेन से। दूसरा क्या है, तुअर दाल है, कुंदरू है, इसके अलावा है बटर मिल्क, घी, पिकल्स। अब इस टेबल को आगे बढ़ाइए और फिर अलग स्टेट का लिखिए और देखिए कि वहाँ का कॉमन मिल्क कौन कौन सा है, ठीक है। कभी कभी हम लोग को प्रॉपर मिल नहीं मिल पाता है, किसी वजह से हम लोग कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो या किसी और वजह से हम लोग को प्रॉपर मील नहीं पाता है, हमारे मील में वैरायटी नहीं मिल पाता। लेकिन ये हम लोग वैरायटी ऑफ फूड के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं कि हमारा मील जो हो है डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ है, एक आइटम जो है फूड आइटम है ग्रेन से बना रहेगा, दूसरा दाल या मीट होगा, तीसरे वेजिटेबल्स और भी फूड आइटम, ये सब सारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग क्यों बातें कर रहे हैं। डू यू थिंक डैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज। हम लोग का बॉडी जो है वो कुछ स्पेशल पर्पज के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहता है, चाहिए उसे। वट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेंट्स, ये डिफरेंट फूड आइटम क्या कंटेन किए हुए रहते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग ये जान पाए हैं कि जो हम लोग डिश हम लोग खाना खाते हैं वो क्या से बना हुआ रहता है, वो इंग्रेडिएंट से बना हुआ रहता है। हमारा डिश फूड आइटम, डिश में जो फूड आइटम होते हैं, खाने में जो फूड आइटम होते हैं वो क्या से बना हुआ रहता है, इंग्रेडिएंट से बना रहता है। और ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आता है, मेन सोर्स क्या है इसका, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है।
दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कॉम्पोनेंट्स डैट आर नीडेड बाई आवर बॉडी। जो हम लोग फूड आइटम खाते हैं वो इंग्रेडिएंट्स लिए रहता है, इंग्रेडिएंट्स से फूड आइटम बनता है, और ये इंग्रेडिएंट्स सम कॉम्पोनेंट्स लिए रहते हैं, उस कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग फूड आइटम खाते हैं, ठीक है, फूड आइटम कैसे बनता है, इंग्रेडिएंट्स से। इस इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है, इसमें सम कंपोनेंट्स होते हैं। इस कंपोनेंट्स को ही हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। ना अभी हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग फूड आइटम खाते हैं अपने खाना में, अपने फूड में डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम बनाते हैं, और वो फूड आइटम बनता कैसे, इंग्रेडिएंट्स से बनता है। इंग्रेडिएंट्स में सम कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें उन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए। अब हम लोग न्यूट्रिएंट्स का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन देखिए। ए न्यूट्रिएंट्स इज अ सब्सटेंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स एक सब्सटेंस है जो जिसे ऑर्गेनिज्म को चाहिए, किस लिए, सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग ये जान चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हम लोग डिस्कशन किए थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा भी हमारा फूड में क्या होना चाहिए, डायट्री फाइबर होना चाहिए और वाटर होना चाहिए। ये डायट्री फाइबर को हम लोग न्यूट्रिएंट्स नहीं कहेंगे, ये डायट्री फाइबर के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इतना जान जाइए कि ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रफेज है एक तरह से, ठीक है। हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसे बॉडी से बाहर निकालने में ये बहुत हेल्प करता है। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, अभी हम लोग आगे डिस्कशन करें। अभी तक हम लोगों ने जाना कि हम लोग फूड खाते हैं किस लिए, लेकिन उससे न्यूट्रिएंट्स मिले, हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसलिए हम लोग वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। तो क्या ये सारे फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, सारे फूड में अगर हम एक फूड आइटम लें तो उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सभी प्रेजेंट है। आइए इसे हम लोग टेस्ट करें, बहुत इसका टेस्ट आसान है और टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का जो है ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। अदर न्यूट्रिएंट्स के अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का जो हम लोग टेस्ट करेंगे कि किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन या फैट्स, ये सिंपल है बशर्ते कि और न्यूट्रिएंट्स के अपेक्षा, इसलिए हम लोग इसे इसका टेस्ट करेंगे। इसके टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए। इसके अलावा हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर चाहिए, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का करें, लेकिन ये टेस्ट सारे टेस्ट हम लोग आप लोग अकेले नहीं कीजिएगा, अपने बड़ों के प्रेजेंस में कीजिएगा, और स्कूल में तो टीचर रहेंगे ही। कार्बोहाइड्रेट का हम लोग टेस्ट करें, देर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, उसके बहुत टाइप होते हैं, लेकिन मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में है होता है वो होता है स्टार्च और शुगर के रूप में। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे स्टार्च का, किस फूड में आइटम में या रॉ फूड मटेरियल में स्टार्च प्रेजेंट है। उसके पहले हम लोग इस बॉक्स के बारे में डिस्कशन कर लें,
ये जो सॉल्यूशन था आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, ए डाइल्यूट अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हम बात कर रहे हैं, आयोडीन का यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात किया जा रहा है, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स होता ही है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी मिला हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट जहाँ लगा मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी मिला हुआ। तो क्या करते हैं इसमें कि कैसे प्रिपेयर होता है, ये फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंक्चर आयोडीन को एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, जो कि टेस्ट ट्यूब पहले से ही हाफ फिल्ड वाटर में, मतलब एक टेस्ट ट्यूब लेंगे वो आधे उसका आधा पार्ट जो है पानी से भरा हुआ रहना चाहिए और उसमें कुछ ड्रॉप फ्यू ड्रॉप्स टिंक्चर आयोडीन डालेंगे। यहाँ पर टिंक्चर आयोडीन इसलिए कहा गया है, टिंक्चर आयोडीन मीन्स ऐसा आयोडीन जो कि अल्कोहल में मिक्स हो। अल्कोहल में मिक्स आयोडीन को ही हम लोग टिंक्चर आयोडीन कहते हैं, ये मेडिसिन के रूप में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन को हाफ फिल्ड टेस्ट ट्यूब से, जो कि हाफ फिल्ड भरा हो वाटर से, उसमें अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन प्रिपेयर हो जाता है। इसी तरह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में मिलाएंगे तो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा को 100 मिलीलीटर वाटर में मिक्स करेंगे तो हमारा वो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। अब आइए हम लोग टेस्ट फॉर स्टार्च करें, एक्टिविटी 2 करें, डेट इज़ टेस्ट फॉर स्टार्च। इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम कि स्मॉल फूड आइटम ले लेंगे, थोड़े से फूड आइटम का पार्ट ले लेंगे या हम लोग रॉ इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बूझो और पहेली क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो लिए हैं पोटैटो का पार्ट लिए हैं, रॉ मटेरियल लिए हैं, रॉ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, उस पोटैटो को कट किए हैं और फिर उसमें 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को पुट किए हैं, डाले हैं। अगर इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो हम लोग समझेंगे कि इस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, स्टार्च का प्रेजेंस देखने के लिए ब्लू ब्लैक कलर ज़रूरी है। अगर हम किसी फूड आइटम में या रॉ इंग्रेडिएंट्स में फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन, 2-3 ड्रॉप्स फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन अगर हम डालते हैं, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो हम समझेंगे कि उस फूड आइटम में, उस इंग्रेडिएंट्स में स्टार्च प्रेजेंट है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ओके, अब यही टेस्ट हम लोग और उस सारे फूड मटेरियल पे, फूड आइटम पे करेंगे जो कि टेबल 2.2 में दिया हुआ है और हम देखेंगे कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। इस तरह हम लोग का स्टार्च का टेस्ट हो गया कि फूड आइटम स्टार्च टेस्ट करने के लिए क्या होगा, फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डालेंगे, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो हम समझेंगे कि उस फूड आइटम में या उस इंग्रेडिएंट्स में स्टार्च प्रेजेंट है।